निकाय चुनाव के दूसरे चरण की ट्रेनिंग सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि एमपी इंटर कॉलेज के कैंपस में निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण की ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग के समय ही डाक मतपत्र डाला जा रहा है, जिसमें नगर निगम का एक बैलेट बॉक्स और हर नगर पंचायत के लिए एक एक बैलेट बॉक्स है, जिसमें 51 लोगों ने अपने मतपत्र का प्रयोग किया है और ग्रामीण में 29 मतपत्रों का प्रयोग किया गया है, जो कि आगे भी जारी है। इसलिए कोई भी प्रत्याशी आकर देख भी सकता है, जो कि पूरी तरह पारदर्शी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। आपको ये सूचित करना है, बताना भी है कि एमपी इंटर कॉलेज के प्रांगण के बगल जो विश्वविद्यालय का कैंपस है, उसी में सेकंड ट्रेनिंग चल रही है और नियमानुसार सेकंड ट्रेनिंग के समय ही डाक मतपत्र डाले जाते हैं। हमारे पास वहाँ व्यवस्था है, नगर निगम के लिए एक बैलेट बॉक्स और प्रत्येक नगर पंचायत के लिए एक एक बैलेट बॉक्स है। कल तक नगर निगम के लिए कुल 51 मतपत्र पड़े थे, 51 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और ग्रामीण में जो हमारी 11 नगर पंचायतें हैं उसमें 29 के आसपास मतपत्रों का प्रयोग हुआ था अलग अलग, उसमें आज भी चल रहा है ये और ये कार्य 29 तक चलेगा। मेरा अनुरोध है सभी उम्मीदवारों से कि वो आकर के उसको देख भी सकते हैं, पूरी पारदर्शिता से ये कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद।